नमस्कार दर्शकों, वेब दुनिया के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपाली बर्वे और आज हमारे साथ है इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी। स्वागत है आपका। और आज हम यहाँ चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, जो कि लोकसभा चुनाव 2019 अब आ रहा है और तारीखें घोषित हो गई है। अब हम इस पे इसीलिए इनसे चर्चा करेंगे, इनकी खास राय जो है हम यहाँ देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि 5 साल में आपने क्या बदलाव देखे है जब ये सरकार बनी नहीं है उसके बाद से? देखिए, एक आम नागरिक के रूप में यदि अपन, मैं खुद का अपना अनुभव आपको बताऊं तो ऐसा सीधा कोई फायदा मुझे नहीं हुआ जिससे मैं सरकार को लेकर कोई पॉजिटिव सोच रख सकूं। लेकिन सिस्टम में कई सुधार हुए हैं जिसका हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में हमको फायदा मिले। सिस्टम में कई सुधार हुए, जैसे अपन देखें कि कारोबार के फ्रंट पे जीएसटी को सरकार ने लागू किया और उसके बाद लगातार उसमें कुछ ना कुछ सुधार करते गए, तो आखिर उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं हमको बाद में उसका फायदा मिलने वाला है। नोटबंदी का एक मामला हुआ, नोटबंदी का जब मामला हुआ तो हमने सबने बड़ा क्रिटिसाइज किया, बहुत परेशान हुए सब हुए, लेकिन अंततः हमको लगने लगा कि हाँ, धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम आया है और ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन था ये हमारे लिए आगे पीछे, मतलब हमारे लिए से मेरा मतलब है कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए एज ए पर्सन कहीं ना कहीं फायदे पहुंचाने वाला हो सकता है। तो सीधे तौर पे लाभ नहीं मिला, इसलिए आदमी को एकदम शुरू में लगता है कि अरे यार, इतना बड़ा निर्णय हो गया, हम परेशान हुए, महीने दो महीने परेशान रहे, लेकिन जब उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट सामने आने लगते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये एक ठीक निर्णय हुआ है। इसी तरह जैसे अपन और भी कई फ्रंट पे लें, जैसे सरकार ने सीधे तौर पर बहुत से लोगों को फायदा दिया, मतलब चाहे वो सौभाग्य योजना का फायदा हो या उज्ज्वला योजना का फायदा हो, तो कॉमन मैन जिसके बारे में कहा जाए या बीपीएल वाला व्यक्ति जो इन सुविधाओं से वंचित रहता था, छोटी छोटी चीजों के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता था, उसका उसको सीधा फायदा, इन निर्णयों का उससे सीधा फायदा तो हुआ है। मतलब सकारात्मक ही बदलाव आए, जरूर बिल्कुल आए, थोड़ा समय लगा लेकिन आए हैं। तो ये विकास की बात हुई यहाँ पे हमेशा, पर जब जब भी चुनाव आते हैं तो वो विकास छोड़ के बात आ जाती है जाति धर्म और इस पे की, इसके हिसाब से चुनाव लड़े जाते हैं। देखिए, जाति धर्म और क्षेत्र भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, इलेक्शन में रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे पब्लिक बहुत अवेयर होती जा रही है। और जिस तरह से पहले धर्म जाति और क्षेत्र के नाम पर मतदाताओं को भरमाया जा सकता था, अब वैसा नहीं है। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मतलब उसका एक बहुत, ठीक है शीला दीक्षित पिछला चुनाव हार गई, लेकिन शीला दीक्षित को अगर दिल्ली की जनता ने प्रतिसाद दिया था तो उसका कारण था कि उन्होंने दिल्ली का फेस बदला था। दिल्ली में उन्होंने डेवलपमेंट का एक नया मतलब युग जो है जिसको कहा जाए, वो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए आया, तो पब्लिक ने उनको रिस्पांस किया। आज देश में भी जैसे नरेंद्र, अपन नितिन गडकरी का उदाहरण ले, नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहते हुए, फिर केंद्र में मंत्री रहते हुए अभी जो काम किए हैं डेवलपमेंट के फ्रंट पे, चाहे वो रोड डेवलपमेंट का फ्रंट हो, अलग अलग फ्रंट्स पे उन्होंने जो काम किए, तो पब्लिक रिस्पांस तो करती है, पब्लिक का रिस्पांस है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये जाति क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे जो वोटर्स को भरमाया जाता है वो उस सिस्टम में धीरे धीरे, अब मतलब वो एक बीते जमाने की बात हो जाएगी, कहीं ना कहीं मजबूत आधार डेवलपमेंट का ही रहेगा। पर ये जो देखा है कि पिछले 5 साल पहले जो स्थिति थी, एक मोदी लहर थी कहते थे, तो अब उतना नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि सकारात्मक पहलू है तो नकारात्मक भी है, कई लोगों को जिन्हें ये पसंद नहीं आए इनकी नीतियां, तो अगर ऐसे में गठबंधन की सरकार की बारी आती है तो आपका उस पर क्या विचार है कि क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल निसंदेह 2014 के चुनाव में जिस बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तो वो स्थिति अभी नहीं है। इस बार का चुनाव बहुत कश्मकश वाला है, लेकिन पुलवामा की घटना के बाद और उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद देश में एक नया, लोगों के मन में एक नया भाव है। तो पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक के पहले नरेंद्र मोदी जिस स्थिति में थे उससे तो वो बहुत आगे आए हैं, ऊपर आए, हाँ ऊपर आए हैं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद भी एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। लेकिन 2014 की तुलना में 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए एक टफ इलेक्शन है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि जो सहयोगी दल थे धीरे धीरे वो उनसे हटे। दूसरा है कि उस समय उनका जो करिश्मा था, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी कमी आई है। एक मतलब हम कॉमन सिटीजन के रूप में भी देखें तो बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें नरेंद्र मोदी के बारे में सोचने को मजबूर करती है। लेकिन ये दो फैक्टर जो हुए हैं, पुलवामा की घटना
और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, इसने जो देश की जनता एक बहुत बड़े वर्ग के मन में जो भाव खड़ा किया है वो 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। पर अगर फिर भी स्थितियां ऐसी नहीं बनती और अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, एक केस में हम ये सोचे कि पूर्ण बहुमत नहीं है और गठबंधन की सरकार बन रही है, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री के पद के कौन लायक है? देखिए, अगर पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो नरेंद्र मोदी की राह में भारतीय जनता पार्टी के ही कई नेता बहुत परेशानी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे मौके की तलाश है। और मुझे लगता है कि यदि 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी लेड एनडीए को बहुमत नहीं मिला और जोड़ तोड़ की नौबत आई तो हो सकता है कि पार्टी के भीतर से ही कुछ ऐसे स्वर उठें जो नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता बनने से रोकें। सही बात है, मतलब छोटे छोटे जो दल है ये टीम मेकर की भूमिका निभाएंगे। छोटे छोटे दल तो अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी एक बड़ा वर्ग जिसने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा उपेक्षित महसूस किया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी भी शामिल है और पार्टी के कई नेता शामिल है, शांता कुमार शामिल है, ये सारे नेता और कहीं ना कहीं ये भी सब मजबूत आधार वाले नेता हैं। तो इसलिए ये लोग मौके की तलाश में हैं कि अगर पिछली बार तो नरेंद्र मोदी इतने स्पष्ट बहुमत के साथ आए थे, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से परचम लहराया था कि कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, जैसा मोदी ने चाहा था वैसा हुआ था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि यदि पूर्ण बहुमत की स्थिति नहीं आई, गठबंधन के साथ सरकार बनाने की नौबत आती है और उसमें भी बहुत खींचतान मचती है, तो और फिर भारतीय जनता पार्टी के पास कई विकल्प है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी के विकल्प के रूप में राजनाथ सिंह हैं, मोदी के विकल्प के रूप में नितिन गडकरी हैं, दो तो बड़े नेता हैं जो कि मोदी के विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास तैयार है। पर आम जनता इन्हें स्वीकार पाएगी क्या? नहीं, आम जनता के स्वीकारने का मतलब ही नहीं। अगर आम जनता बहुत स्पष्ट बहुमत नहीं देती है नरेंद्र मोदी को, तो फिर उसके बाद आम जनता के हाथ से तो बहुत सारी चीजें निकल जाएगी ना, फिर तो पार्टी के भीतर फैसला होना है और पार्टी के जो भीतर फैसला होना उसमें कई लोग मौके की तलाश में बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ऐसी स्थिति में हो सकता है कि एक बार सोचने को मजबूर हो। करिश्मा अगर मोदी का नहीं चला तो फिर मुझे लगता है कि कई नाम बहुत तेजी से उभरेंगे और उसमें मैंने दो नाम आपको प्रमुखता से बताया कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी मोदी का विकल्प हो सकते हैं। मोदी सरकार के जो 5 साल की नीतियां थी उनका आने वाले 5 सालों में उन मुद्दों पे क्या हो सकता है? घर उन्हीं की सरकार आती है, मिली जुली गठबंधन की सरकार भी आती है तो देखिए, अगर मोदी के नेतृत्व में ही वापस सरकार बनती है तो पिछले 5 सालों में जिन चीजों को वो पाइपलाइन में लाए थे एग्जीक्यूट करने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी थी और काफी हद तक एग्जीक्यूट भी किया था, उसको वो एस्टैब्लिश कर देंगे। अभी तक तो उन्होंने एग्जीक्यूट किया लेकिन वो उसको एस्टैब्लिश करेंगे और उन्होंने जो डिसीजन लिए उनको वो सही साबित करने में लगेंगे कि भाई मैंने इस फ्रंट पे ये डिसीजन लिया। जैसे जीएसटी का मामला लें, उन्होंने कहा मैंने लिया, उसमें जैसे सुधार की जरूरत पड़ती हम सुधार करते गए, हम उसका इंप्लीमेंट करें, और इंप्लीमेंट करने के बाद वो एस्टैब्लिश करके बताएंगे कि जीएसटी लागू करने का देश को यह फायदा हुआ, टैक्सेस में जो चोरी होती थी उसको हमने रोका और आज इस फ्रंट पे हमको इतना टैक्स मिल रहा है। तो मतलब वो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर अगले 10 साल का मौका उनको मिलता है। एक वर्ल्ड लीडर के रूप में मोदी एस्टैब्लिश रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, अब वो एस्टैब्लिश होंगे वर्ल्ड लीडर के रूप में, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे फ्रंट्स जो उन्होंने डेवलपमेंट के ओपन किए हैं जिसपे उनके काम शुरू हुए हैं वो उसमें ये बताने में कामयाब रहेंगे कि देखिए मेरा जो काम था उसको जनता ने पसंद किया, और मोदी को जनता बहुमत देती है तो वो नैतिक रूप से बाध्य भी होंगे, नैतिक रूप से बाध्य होंगे कि भाई अगर जनता ने मुझ पर विश्वास जताया है तो मुझे उनकी भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। तो और बहुत सारी चीजें ला सकते हैं वो। देखिए एम्प्लॉयमेंट का फ्रंट भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और युवा वर्ग में असंतोष है, मुझे लगता है कि अगले 5 साल में कहीं ना कहीं मोदी के जहन में भी ये बात होगी कि इस फ्रंट पे भी हम काम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी इस फ्रंट पे अभी बहुत ज्यादा काम हो नहीं पाया और डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट सरकार ने आगे बढ़ाए हैं उसको सरकार को पूरा एक मौका मिलेगा। 5 साल एक बहुत बड़ी अवधि होती है और अगर कोई सरकार, कोई पार्टी 5 साल सरकार में रह लेती तो एक अच्छा खासा अनुभव उसके पास सरकार चलाने का आ जाता है, जिसका उपयोग वो अगले 5 साल में बहुत बेहतरी से कर सकते हैं। हाँ, मतलब कि अगर वापस दोबारा सरकार आती है तो ही मौका है कि इन्हीं चीजों को वापस आगे बढ़ाया जा सकेगा। नहीं, कुछ नए काम भी शुरू होंगे, नए फ्रंट पे भी वो आगे आएंगे, लेकिन आज जिन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने शुरू किया है, जो डिसीजन लिया है, जो पॉलिसीज उन्होंने तय की है, उसको तो वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाएंगे ना। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं वो पॉलिसी सकारात्मक ही है, ऐसा हम कह सकते हैं।
तो जैसा कि हमने इनसे चर्चा में जाना कि इस सरकार के कई सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू रहे हैं। अब कश्मकश ये है, अब देखना यह है कि जनता की क्या राय है और जनता किसे वोट करती है और कौन सरकार में आता है। और इस तरह की चर्चा के लिए हम लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे। देखते रहिए webdunia.com।